गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट किया था और प्लांट एनाटॉमी में सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हमने टिश्यू के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमने देखा टिशू के तीन टाइप हैं कौन कौन से टाइप थे एपिडर्मल टिशू सिस्टम ग्राउंड टिशू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिशू सिस्टम एपिडर्मल टिशू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस आ रहा था स्टोमेटा आ रहे थे और एपिडर्मल अपेन्डिगीज आ रहे थे उसी तरह ग्राउंड टिशू सिस्टम के अंदर जो हमारा मेजर पार्ट है प्लांट स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है तो उसके अंदर हाइपोडर्मिस आ रहा था कॉर्टेक्स आ रहा था इंडोडर्मिस पेरीसाइकल पिथ एंड मेडुलरी रे एंड थर्ड हमारा था वेस्कुलर टिशू सिस्टम जिसमें जायलम और फ्लोमनी वेस्कुलर बंडल्स आ रहे थे फिर हमने वेस्कुलर बंडल के अलग अलग अरेंजमेंट देखे रूट्स के अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलता है और स्टेम्स के अंदर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल मिलता है जिसके भी बड़े सारे टाइप्स हमने देखे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टिशू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फंक्शन के बेसिस पे टिशू के कितने टाइप हैं इसे हम आज डिस्कस करेंगे सो ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन जो प्लान टिशू है इसके दो टाइप हैं कौन कौन से वन इज मेरी स्टेमैटिक टिशू एंड अनदर वन इज परमानेंट टिशू मैरी स्टेमैटिक टिशू को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में वन इज़ प्राइमरी मैरिज स्टैम एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मैरिज स्टैम सिमिलरली परमानेंट टिशू को भी डिवाइड किया गया है सिम्पल परमानेंट टिशू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू में क्लियर देन प्राइमरी मेरिस्टेम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर आता है लेट्रल मेरिस्टेम उसी तरह परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट में तीन आ जाते हैं पैरन कायमा कोलिन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दो आता है दैट जाइलम एंड फ्लोएम जाइलम जिन चार एलिमेंट्स से बना है वो चार एलिमेंट्स यहाँ हमने मेंशन किया है सबसे पहला है वेसल दूसरा ट्रैकिट्स तीसरा जैलम पैरनकाइमा एंड चौथा जैलम फाइबर उसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में जो जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं पहला सीव ट्यूब दूसरा कंपेनियन सेल तीसरा फ्लोएम पैरनकाइमा एंड फोर्थ वन इज़ फ्लोएम फाइबर क्लियर है क्लियरेबल यानी टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर हम देखें तो कौन कितने हैं दो हैं वन इज़ मेरिस्टमैटिक एंड अनदर वन इज परमानेंट मेरिस्टमैटिक के भी फर्दर दो है प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी के भी दो हैं एपिकल इंटर कैलरी सेकेंडरी के इलेक्ट्रल एंड परमानेंट टिश्यू में भी दो सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में पैरन कायमा कॉलिन कायमा एंड स्कलैरन कायमा देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया गया है दो टाइप में इलम एंड फ्लोएम और जायलम जिन चार एलिमेंट से बना है वो है वेसल्स ट्रैकिट जायलम पेरनकाइमा जायलम फाइबर एंड फ्लोएम जिन चार एलिमेंट से बना है वो है सीफ ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर यानी हमें ऑन द बेस ऑफ फंक्शन इन्हीं प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करना है समझ में आ गई बात क्लियर तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैरिस्टोमैटिक टिश्यू से कि मैरिस्टोमैटिक टिश्यू क्या होता है और उनके जो भी टाइप्स हमने मेंशन किया है उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैरिस्टोमैटिक टिश्यू मैरिस्टोमैटिक टिशू सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है वॉट इज मैरिस्टमैटिक टिशू तो दीज आर सिंपल टिशू हु सेल्स हैव ग्रेट पावर ऑफ डिवीज़न विच मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं जो टिशू होता है वो किसका बना हुआ है सेल्स का बना हुआ है तो मेरिस्टमैटिक टिशू के अंदर जो सेल्स हैं उनके पास डिवीज़न का पावर बहुत ज़्यादा है मतलब वैसा टिशू जिनके सेल्स की डिवाइडिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है जो डिवाइड कर सकते हैं उस टिशू को हम बोलते हैं मेरिस्टमेटिक टिशू क्लियर है बात वट इज़ मेरिस्टमैटिक टिशू दीज आर सिंपल टिशू हु सेल्स हैव ग्रेट पावर ऑफ डिवीज़न समझ में आ गई बात मतलब वैसा टिशू जिनके सेल्स के पास डिवीज़न का बहुत अच्छा पावर है दैट टिशू इज़ कॉल्ड मेरिस्टमैटिक टिशू ये कितने टाइप के होते हैं तो दीज आर ऑफ टू टाइप अभी थोड़े देर पहले भी हमने देखा था कि मैरिस्टमैटिक टिश्यू के कितने टाइप है दो वन इज़ प्राइमरी मेरिस्टम एंड अनदर वन इज़ सेकेंडरी मैरिस्टे अब हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है सेकेंडरी मैरिस्टम क्या होता है इसे समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे प्राइमरी मैरिस्टे प्राइमरी मैरिस्टम में सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो क्या मैंने मैंशन किया है इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट प्लांट के लेंथ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है प्लांट के किसी भी स्ट्रक्चर के लेंथ में अगर इंक्रीमेंट होता है तो दैट ग्रोथ इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ और वो किसके कारण हो रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम के कारण हो रहा है, है। समझ बात यानी प्राइमरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ एंड प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दी प्लांट प्लांट के लेंथ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो दैट ग्रोथ इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू होगा वो होगा प्राइमरी मेरिस्टम समझ में आई बात नेक्स्ट पॉइंट है दे आर प्रोड्यूस्ड बाई प्रो मेरिस्टम्स ऑफ द इम्ब्रायो इम्ब्रायो के प्रोमेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म होता है यानी पहले क्या था प्रोमेरिस्टेम अब इम्ब्रायो के प्रोमेरिस्टेम से फिर फर्दर क्या फॉर्म होगा प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म होगा पूछा जाता है नीट एग्जाम में क्वेश्चन कि हाउ प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म तो प्राइमरी मेरिस्टेम इज फॉर्मड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम ऑफ द एम्ब्रियो क्लियर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्राइमरी मेरिस्टेम कितने टाइप का होता है दो टाइप का वन इज एपिकल मेरिस्टेम एंड अनदर वन इज इंटर कैलरी मैरिज जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ है एपेक्स पे और इंटर कैलरी मैरिज अगर आप देखें तो आपको यहाँ और यहाँ दिख रहा होगा ये आपका क्या है इंटर कैलरी मैरिज समझ में आगे बात तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहने का मतलब वैसा मेरिस्टेम जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो प्लांट के लेंथ में इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो प्रोड्यूस कैसे होगा इमरायो के प्रोमेरिस्टेम से एंड इसके कितने टाइप है दो टाइप है वन इज एपिकल एंड अनदर वन इज इंटर कैलरी मैरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम भी क्या होता है इंटर कैलरी मैरिस्टेम क्या होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम में सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम जिस तरह से प्राइमरी मेरिस्टेम में हमने देखा कि प्राइमरी मेरिस्टेम लेंथ में इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसी तरह जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन विथ ऑफ द प्लांट प्लांट के विथ में इंक्रीमेंट के लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड विथ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है प्लांट के तो उस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्लियर या हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं इंक्रीज इन गर्थ ऑफ दी प्लांट गर्थ इज ऑल्सो विथ क्लियर तो इंक्रीज इन गर्थ ऑफ दी प्लांट इज सेकेंडरी ग्रोथ एंड जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा टिश्यू है सेकेंड्री मैरिज स्टेम है समझमा की बात अब जैसा हमने प्राइमरी मेरिस्टेम में देखा कि प्राइमरी मेरिस्टेम किससे फॉर्म हो रहा है प्रो मेरिस्टेम ऑफ द इमरा उसी तरह जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है बाय प्राइमरी मेरिस्टेम बात दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई प्राइमरी मैरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम को ही और हम क्या बोलते हैं लेटरल मैरिस्टम जिस तरह से प्राइमरी मेरिस्टम में एपिकल और इंटर कैलोरी आ रहा है उसी तरह सेकेंडरी मैरिस्टम में क्या आ रहा है लेटरल मैरिस्टम आ रहा है क्लियर है बात यानी मैरिस्टमैटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो फिर से समझ रहे हैं व्हाट इज मैरिस्टमैटिक टिश्यू सिंपल टिश्यू का टाइप है मेरिस्टमैटिक टिश्यू सिंपल टिश्यू हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लियर तो सिंपल टिश्यू में आ रहा है हमारा मैरिस्टमैटिक टिश्यू मैरिस्टमैटिक टिश्यू वैसा टिश्यू है जिनके जो सेल्स हैं उनके पास डिवाइडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है जो डिवाइड कर सकते हैं ये कितने टाइप का है दो टाइप का है वन इज़ प्राइमरी मेरिस्टम एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेडिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ विच मीन्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दी प्लांट और ये फॉर्म किससे होगा प्रो मैरिज स्टेम ऑफ दाइव उसी तरह सेकेंडरी मेरिस्टम की अगर बात करें तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब प्लांट के विथ यानी गर्थ में इंक्रीमेंट के लिए एंड ये किससे प्रोड्यूस होगा दे आर प्रोड्यूज बाई प्राइमरी मैरिज दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लेटरल मैरिज क्लियर बात ठीक है तो मैरिस्टमैटिक टिश्यू कितने टाइप के हो गए दो टाइप के प्राइमरी एंड मेरिस्ट सेकेंडरी मैरिज अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एपिकल मैरिज के बारे में सो एपिकल मैरिस्टम को अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एपिकल मैरिस्टम जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है ठीक है ये एपेक्स वाला जो रीज़न है यहाँ इस एरो से दिखा रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं एपिकल मैरिस्टैम सन में आगे बात वॉट इज एपिकल मेरिस्टेम सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट या शूट रूट या शूट्स के टिप पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे एपिकल समझ में आई बात व्हाट इज़ एपिकल मेरिस्टेम दीज आर प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ रूट एंड शूट्स रूट और शूट्स के टिप पे जो मेरिस्टेम मिलेगा उसे हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम एपिकल मतलब एपैक्स तो एपेक्स पोर्शन पे जो मेरिस्टेम मिल रहा है उस मेरिस्टेम को हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम ये जो होता है दीज आर ऑफ टू टाइप्स कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है दैट इज एपिकल शूट मैरिज एंड एपिकल रूट मैरिजैम वैसा एपिकल मैरिज जो शूट के एपेक्स पर मिलेगा उसे हम बोलेंगे शूट एपिकल मैरिस्टैम और जो रूट के एपेक्स पर मिलेगा उसे हम बोलेंगे एपिकल रूट मैरिज क्लियर अब इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं वॉट इज एपिकल शूट मैरिस्ट ठीक है एपिकल शूट मेरिस्टेम के बारे में अगर हम बात करें तो दीज आर प्रेजेंट ऑन दी टिप्स ऑफ शूट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग दी लेंथ ऑफ दी प्लांट ये जो है एपिकल शूट मेरिस्टेम ये कहाँ प्रेजेंट होगा टिप ऑफ शूट शूट के टिप पे प्रेजेंट होगा और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ दी प्लांट लेंथ ऑफ द प्लांट में इंक्रीमेंट का मतलब प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्लियर है बात तो अगर शूट के लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो कौन करा रहा है एपिकल शूट मेरिस्टेम करा रहा है क्लियर दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स ये कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है कौन कौन सा वेजिटेटिव शूट एपेक्स एंड रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स यानी एपिकल मेरिस्टेम भी दो टाइप के होते हैं फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सूट एपेक्स एंड अनदर वन इज रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स। अब हम ये दोनों पॉइंट्स को क्लियरली समझते हैं सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं वेजिटेटिव सूट एपेक्स। वेजिटेटिव सूट एपेक्स क्या होता है सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डेराइव फ्रॉम मेरिज स्टेम प्रजेंट इन दी प्लोमूल ऑफ द इम्ब्रायो इम्ब्रायो के प्लोमूल में जो मेरिजैम प्रजेंट होगा उससे डेराइव कौन सा मेरिस्टेम होगा एप कौन सा एपिकल मेरिस्टेम होगा एपिकल शूट मेरिस्टेम होगा वेजिटेटिव सूट एपेक्स ठीक है वेजिटेटिव सूट एपेक्स कहने का मतलब डिराइव फ्रॉम मेरिस्टेम प्रेजेंट इन दी प्लोम ऑफ द इमरियो हम लोग जानते हैं कि फर्दर क्या फॉर्म करता है आफ्टर ग्रोथ जर्मिनेट करने के बाद प्लोमूल किस में कन्वर्ट हो जाता है शूट में तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम के भी दो टाइप वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स सो so, वेजिटेटिव शूट एपेक्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से डिराइव्ड होगा मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट होगा प्लूमूल ऑफ दी इमरा ठीक है ये कैसा होता है इट इज कॉनिकल और डोम शेप्ड आप इसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कैसा दिख रहा है आपको डोम शेप्ड क्लियर कॉनिकल और डोम शेप सो अनदर पॉइंट इज़ कि ये कैसा होता है कॉनिकल शेप्ड होता है या बोल सकते हैं डोम शेप्ड होता है इंपॉर्टेंट थ्योरी जो वेजिटेटिव शूट एपेक्स के बारे में दी गई है उसमें सबसे पहला जो थ्योरी दिया गया था दैट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी पहले भी आप लोगों ने इस थ्योरी का नाम सुना होगा सो दैट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दिया किसने था स्मिथ ने दिया था ठीक है क्या बोला गया है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में स्मिथ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ शूट एपिकल मेरिस्टेम इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स स्मिथ के हिसाब से ये बोला गया है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो दो लेयर्स के बने हुए हैं कौन कौन सा एक को उन्होंने बोला ट्यूनिका और अनदर को उन्होंने बोला कॉर्पस यानी शूट एपिकल मेरिज किसका बना है ट्यूनिका का और कॉर्पस का अब ट्यूनिका किसे हम बोल रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इंडिकेट किया है दैट इज़ ट्यूनिका अगर आप इसमें देखें तो ये सिंगल लेयर्ड है क्लियर सिंगल लेयर्ड होगा और कैसा होगा थिक होगा इसके अंदर एंटी क्लाइनल डिवीजन होता है आप पूछोगे एंटी क्लाइनल कहने का मतलब क्या होता है जैसा मैंने यहाँ दिखाया है अगर आप इस बॉक्स में देखिए तो डिवीज़न जो होगा एक डायरेक्शन में हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिवीज़न हो रहा होगा तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लाइनल डिवीज़न क्लियर सो so, इस थ्योरी के हिसाब से क्या बोला गया है बोला ये गया है कि जो शू टैपिकल मेरिस्टेम है वो दो लेयर्स के बने हुए हैं ये पूरा जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसका है शू टैपिकल मेरिस्टेम का तो ये जो शू टैपिकल मेरिस्टेम है ये दो लेयर का बना हुआ है कौन कौन सा वन इज़ ट्यूनिका एंड अनदर वन इज़ कॉर्पस तो ट्यूनिका के बारे में क्या बोला गया इट इज सिंगल लेयर थिक जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कैसा है सिंगल लेयर है थिक है और इसका जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा एंटी क्लिनल विच मीन्स एक ही डायरेक्शन में डिवीज़न होगा क्लियर दूसरा जो लेयर है उसे हम बोल रहे हैं कॉर्पस कॉर्पस को अगर आप देखें यहाँ देखिए ये यह मैंने बनाया है कॉर्पस ये जो है ये क्या है मेनी लेयर का होगा बहुत सारे लेयर का होगा और थिक होगा यहाँ भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लेयर का है ये और इसमें जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा पेरी क्लाइनल डिवीज़न मतलब हर डायरेक्शन में डिवीज़न अगर आप यहाँ देखिए तो ऐसा नहीं है कि वो एक खास डायरेक्शन में ग्रो करा वो हर डायरेक्शन में उसका डिवीज़न हो रहा है समझ सदमा की बात तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के हिसाब से बोला ये गया है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो दो लेयर्स में डिवाइडेड है पहला ट्यूनिका और अनदर वन इज इस कॉर्पस इसमें ट्यूनिका में लास्ट पॉइंट है क्या कि इट गिव राइज टू तो प्रोटोडर विच गिव राइज टू तो द एपिडर्मिस यानी ट्यूनिका लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस और एपिडर्मिस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एपिडर्मिस क्या किसके अंदर आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है दैट इज जो कि प्लांट टिश्यू के ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के टाइप के अंदर आ रहा है सो so, जो ट्यूनिका लेयर है वो क्या फॉर्म करेगा एपिडर्मिस फॉर्म करेगा किसके थ्रू थ्रू प्रोटोडर एंड कॉर्पस की बात करें तो इट गिव राइज टू ग्राउंड मैरिस्टम एंड कैम्बियम यानी ग्राउंड मैरिस्टम और प्रो कैम्बियम के फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन सा होगा कॉर्पस ये किसने बताया था ये बताया था स्मिथ ने थ्रू ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी फिर से समझ रहे हैं व्हाट इज ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज कि किट एपिकल मैरिस्टम इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स शूट एपिकल मेरिस्टम दो लेयर का बना है वन इज ट्यूनिका एंड अनदर वन इज़ कॉर्पस ट्यूनिका सिंगल लेयर होगा थिक होगा कॉर्पस मल्टी लेयर्ड होगा मेनी लेयर्स का बना होगा ये भी थिक होगा इसके अंदर डिवीजन एंटीक्लाइनल होगा और कॉर्पस के अंदर डिवीजन पेरी क्लाइनल होगा ट्यूनिका गिव राइज टू प्रोटोडम विच गिव राइज टू एपिडर्मिस उसी तरह कॉर्पस गिव राइज टू ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रो कैम्बियन क्लियर है बात अब नेक्स्ट जो दूसरा थ्योरी दिया गया है वेजिटेटिव शूट अपेक्ट्स के बारे में दैट इज़ हिस्टोजन थ्योरी कौन सी थ्योरी दी गई है हिस्ट्रोजन थ्योरी दिया गया यहाँ हम देख रहे हैं दैट इज़ हिस्ट्रोजन थ्योरी ये किसने दिया है ने दिया है एकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देअर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिशू इस थ्योरी के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ टिशू हैं तीन जिन्हें हम बोल रहे हैं विच फॉर्म वेजिटेटिव शूट एपेक्स जो कि फर्दर क्या फॉर्म कर रहा है वेजिटेटिव शूट एपेक्स मतलब हिस्टोजन थ्योरी के हिसाब से तीन टिश्यू जो है जिन्हें हम बोल रहे हैं हिस्टोजेंस वो तीन टिश्यू क्या फॉर्म कर रहे हैं वेजिटेटिव शूट एपेक्स फॉर्म कर रहे हैं क्लियर और उन तीनों टिश्यू को एक साथ हम क्या बोल रहे हैं हिस्टोजन बोल रहे हैं क्लियर है बात यानी हैंडस्टीन यानी हिस्टोजन थ्योरी जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वेजिटेटिव शूट एपेक्स का उसके हिसाब से क्या बोला गया है कि तीन तरह के टिश्यू हैं जिन्हें हम हिस्टोजन बोल रहे हैं जो कि क्या फॉर्म कर रहे हैं वेजिटेटिव शूट एपेक्स फॉर्म कर रहे हैं क्लियर अब वो तीन टिश्यू कौन कौन सा है फर्स्ट वन इज़ डरमेटोजन सेकेंड वन इज़ पेरी एंड थर्ड वन इज़ प्लूरोम डर्मेटोजन क्या फॉर्म कर रहा है एपीडर्मिज पेरीब्लेम क्या फॉर्म कर रहा है हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस प्लूरोम क्या फॉर्म कर रहा है पेरीसाइकल ज़ाइलम फ्लोएम पिथ एंड पिथरेस क्लियर यानी डर्मेटोजन क्या फॉर्म करेगा एपिडर्मिस यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पेरीब्लेम क्या फॉर्म कर रहा है हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड प्लुरम क्या फॉर्म कर रहा है पेरीसाइकल जाइलम फ्लोएम पिथ एंड पिथरे तो प्लूरोम जो फॉर्म कर रहा है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी आ रहे हैं एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी आ रहे हैं क्लियर तो यही तीन टिश्यू मिलकर के क्या बना रहा है वेजिटेटिव शूट अपेक्स ये बताया गया है किसके थ्रू हिस्ट्रोजन थ्योरी के थ्रू और अगर आप देखें तो एन में ये डायग्राम भी दिया गया है एनसीआर में इसी डायग्राम के थ्रू इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया क्लियर यहाँ पे आप देखिए मैंने दिखाया है लीफ प्राइमोडियम शूट एपिकल मेरिस्टेम ये एक्सिलरी बर्ड और ये डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर बंडल्स तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किसके थ्रू फॉर्म हो रहे हैं इन तीन टिश्यू के थ्रू फॉर्म हो रहा है दैट इज डरमेटोजेंट पेरी ब्लेम एंड सो so, वेजिटेटिव शूट एपेक्स में हमने दो थ्योरी पढ़ा कौन कौन सा पहला ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी एंड दूसरा हमने पढ़ा हिस्टोजन थ्योरी दूसरा जो एपिकल शूट मेरिस्टम में टाइप आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स कौन सा टाइप आ रहा है रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स सो रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स हम किसे बोल रहे हैं तो द वेजिटेटिव शूट एपेक्स ट्रांसफॉर्म इंटू अ फ्लार एंड नाउ नोन एज रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स मतलब जो वेजिटेटिव शूट अपेक्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है फ्लावर में तो उसे हम अब क्या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज़ गाइनोशियम उसके बाद आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर इसे हम बोल रहे हैं एंड्रोशियम देन आप देख रहे हैं यहाँ पे शूट अपेक्स का जो ये वाला डायग्राम है आपका शूट एपेक्स का एंड देन इसमें आपको दिख रहा है रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स वाले में कैलिक्स और कोरोला क्लियर इसको थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं यहाँ पे फिर से देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसे हम गाइनोशियम बोल रहे हैं इसे हम एनरोशियम बोल रहे हैं ये आपका कैलिक्स है एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोल रहे हैं कोरोला यानी वेजिटेटिव शूट अपेक्स कहाँ से फॉर्म हो रहा है प्लोमुल ऑफ दि इमरा और वेजिटेटिव शूट अपेक्स ही अगर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या फॉर्म करेगा रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स और ये जो फ्लावर वाला डायग्राम है ये हमने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी देखा है सो हमें यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए समझ में आ गई बात तो वेजिटेटिव शूट अपेक्स एंड रिप्रोडक्टिव शूट अपेक्स के बारे में हमने यहाँ तक देख लिया क्लियर सो अब हम लोग पढ़ते हैं रूट अपेक्स के बारे में हम लोगों ने सूट सूट एपेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया देन अब हम लोग पढ़ते हैं रूट एपेक्स व्हाट इज़ रूट एपेक्स जैसा कि शूट एपेक्स में हमने देखा कि वैसा मेरिस्टेम वैसा एपिकल मेरिस्टम जो शू शूट के एपेक्स पर मिलेगा उसे हम शूट एपेक्स बोलेंगे एंड वैसा एपिकल मैरिस्टेम जो रूट के एपेक्स पे मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे रूट एपेक्स दीज आर ऑल्सो नोन एज रूट एपिकल मैरिस्टम क्लियर जैसा कि हमने हिस्टोजन थ्योरी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हिस्टोजन थ्योरी हमने डिस्कस किया था कि इसमें शूट अपेक्स में शूट के वेजिटेटिव शूट अपेक्स में तो यहाँ भी हिस्टोजन थ्योरी रूट अपेक्स के लिए एप्लीकेबल होता है और ये भी किसने दिया हेंड स्टैंड ने दिया था एकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर थ्री टिश्यू कलेक्टिवली हम उसे क्या बोलते हैं हिस्टोजन दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रूट जो कि रूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं जैसा हमने शूट में पढ़ा कि जो तीन टिश्यू होते हैं जिन्हें हम एक साथ हिस्ट्रोजन बोलते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं शूट फॉर्म करते हैं उसी तरह रूट में भी तीन टिशू एक साथ मिल करके जिसे हम हिस्ट्रोजन बोलते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं रूट फॉर्म करते हैं और तीनों टिशू क्या क्या हैं तो फर्स्ट वन इज़ डर्मेटोजन सेकेंड वन इज पेरी ब्लेम एंड थर्ड वन इज प्लूरोम डर्माटोजन एपी ब्लेमा फॉर्म कर रहा है यहाँ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एपीडर्मिस को रूट्स में हम क्या बोलते हैं एपी ब्लेमा तो यहाँ डर्माटोजन क्या फॉर्म करेगा एपी ब्लेमा पेरी ब्लेम क्या फॉर्म करेगा कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस एंड प्ल्यूरोम क्या फॉर्म कर रहा है पेरीसाइकल जाइलम फ्लोएम पिथ एंड पिथरेज समझना की बात तो हम लोगों ने देखा सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टम में अब आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये भी एन में है जैसा कि हमने सूट एपिकल मेरिस्टेम में एक डायग्राम देखा था जो कि एन में मेंशन है उसी तरह रूट एपिकल मेरिस्टेम जो हिस्टोरियन थ्योरी पे बेस्ड है उसके लिए ये डायग्राम आपके एन में दिया गया इसमें अलग अलग रीजन्स को दिखाया गया है यहाँ देखिए आपको सेंट्रल सिलेंडर दिख रहा होगा कॉर्टेक्स प्रोटोडम इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स ये आपका रूट कैप है जिसे हम कैलिप्ट्रा बोलते हैं ये मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था इनिशियल्स ऑफ रूट कैप उसी तरह यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टम है ये आपको इम्पॉर्टेंटली हमें यही समझना है रूट एपिकल मेरिस्टम अब एक चीज़ यहाँ हमें दिख रहा है क्वेसन सेंटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट में इसे क्वेश्चन आया हुआ है वट इज़ क्विसेंट सेंटर इसे समझते हैं दिस इज प्रजेंट एट द रूट एपेक्स ये प्रजेंट कहाँ होगा रूट के एपेक्स पे प्रजेंट होगा क्लियर रूट के एपेक्स पे आपको क्या मिलेगा क्विसेंट सेंटर एंड देयर इज स्लो सिंथेसिस ऑफ डी एन ए आर एन ए एंड प्रोटीन यहाँ पर क्या होगा स्लो सिंथेसिस होगा किसका डी एन ए का आर एन ए का और प्रोटीन का यानी ये किसकी तरह काम करता है इट फंक्शन एज रिज़र्व मेरिस्टेम रिजर्व मेरिस्टेम के जैसे अगर आपसे पूछा जाए रूट्स में एज अ रिजर्व मेरिस्टेम कौन काम करता है तो वो कौन काम करता है क्विसेंट सेंटर वर्क करता है समझ so, में आ गई बात तो यहाँ पे हमने क्या देखा रूट एपिकल मेरिस्टेम उसके स्ट्रक्चर को हमने यहाँ देखा एंड देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज क्विशेंट सेंटर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैरिस्टमैटिक टिश्यू में का दूसरा टाइप दैट इज़ इंटर कैलरी जिस तरह मैरिस्टमैटिक टिश्यू का एक टाइप था एपिकल मैरिज हमने एपिकल मैरिस्टेम में क्या क्या देखा एपिकल मैरिज में एपिकल शूट मैरिस्टेम एंड एपिकल रूट मैरिजैम एपिकल शूट या एपिकल रूट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है वेजिटेटिव मेरिस्टेम एंड रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम के अंदर तो वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया और उस पर बेस्ड अलग अलग थ्योरी को भी देखा उसी तरह मैरिस्टमेटिक टिश्यू का दूसरा टाइप आ जाता है इंटर कैलरी दीज आर डेराइव फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम ये किससे डेराइव हुआ है एपिकल मेरिस्टम से दीज आर प्रजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू ऑफ प्लांट्स ये कहाँ आपको मिलेगा प्लांट्स के मेच्योर टिश्यू के बीच यानी नोड्स एक एग्जांपल है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नोड्स के बीच आपको जो मेरिस्टेम मिल रहा है दैट मेरिस्टेम इज़ कॉल्ड इंटर कैलरी मेरिस्टम थर्ड पॉइंट कि दे हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन ऑर्गन के इलोंगेशन में यानी लेंथ में इंक्रीमेंट में हेल्प करता है यानी ये भी कैसा ग्रोथ करा रहा है प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है प्राइमरी ग्रोथ कहने का मतलब क्या होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट ठीक है दे अलाउ दी फॉलन स्टेम ऑफ प्लांट टू बिकम इरेक्ट ये क्या करता है जो वैसे प्लांट के स्टेम जो झुकने लगे हैं गिरने लगे हैं उनको स्टैंड रहने में इरेक्ट रहने में हेल्प करता है कौन हेल्प करेगा मैरिस्टमैटिक टिश्यू में इंटर कैलरी मैरिस्टम ठीक है अनदर पॉइंट इज दे आर प्रेजेंट इन द ग्रासेस ये कहाँ प्रेजेंट होगा ग्रासेस में एंड रीजेनरेट द पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हार्वी एनिमल ठीक है ये कहाँ प्रेजेंट होगा ग्रासेस में और रीजेनरेट करेगा कौन से पार्ट को वैसे पार्ट को जो आ, ग्रासेस जैसे हार्वी वोरस एनिमल्स क्या करते हैं ग्रासेस को फीड करते तो ग्रास का वैसा पार्ट जो वो ग्रेज कर चुके हैं उन पार्ट को वापस लाने में कौन हेल्प करता है इंटर कैलरी मैरिस्टम ठीक है एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे अल्टीमेटली गेट फुली यूज अप इन द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू मतलब परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करने में जिसका पूरी तरह से यूज़ हो रहा है वो कौन है इंटर कैलरी मैरिस्टम यानी इंटर कैलोरी मैरिस्टम ही यूज़ होता है परमानेंट टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए समझ आ गई बात यानी फिर से हम समझ रहे हैं इंटर कैलरी मैरिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ मैरिस्टमैटिक टिश्यू एंड ये किससे डेराइव हो रहा है इट इज़ डेराइव फ्रॉम एपिकल मैरिस्टम और ये प्रेजेंट कहाँ होगा प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू ऑफ प्लांट हेल्प करेगा प्राइमरी ग्रोथ में यानी इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन्स फॉलन स्टेम को इरेक्ट होने में हेल्प करेगा ग्रासेस में भी प्रेजेंट होता है और ग्रासेस में वैसे पार्ट को ये रीजनरेट कराता है जो कि हार्वी वोरेस एनिमल ग्रेज कर लेते हैं रिमूव कर देते हैं एंड अनदर पॉइंट दे अल्टीमेटली गेट फुली यूज अप इन द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिशू के फॉर्मेशन में ये पूरी तरह से क्या हो जाता है यूज होता है सो so, अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम के टाइप सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं फिर से एक बार बता रहे हैं प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में वन इज मैरिस्टमैटिक एंड अनदर वन इज़ परमानेंट मैरिस्टमैटिक का दो टाइप प्राइमरी मेरिस्टेम एड सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है एपिकल और इंटर कैलरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है लेटरल मेरिस्टेम सो अभी तक हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू में प्राइमरी मेरिस्टेम को डिस्कस कर लिया है प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल के बारे में भी देख लिया और इंटर कैलोरी के बारे में भी देख लिया दोनों के फंक्शंस को भी देख लिया और दोनों बेसिकली किस में हेल्प करते हैं प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं नाउ अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मैरिस्टेम के बारे में सेकेंडरी मैरिज के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है दीज ऑकर इन दी मैच्योर रीजन्स ऑफ द रूट एंड शूट्स ऑफ डायकॉट प्लांट्स यानी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी में ये भी आपको बताया था कि जो प्लांट है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है ओनली इन डायकॉट प्लांट सो सेकेंडरी मेरिस्टेम की अगर बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ आप देख रहे हैं जो दूसरा पॉइंट है दे इंक्रीज दी विथ और ग्रोथ ऑफ द प्लांट गर्थ नॉट गो ग्रोथ यहाँ ये गर्थ होगा तो दे दी विथ और गर्थ ऑफ द प्लांट, प्लांट के विथ में इंक्रीमेंट के लिए जो मेडिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कौन सा है सेकेंडरी मेडिस्टम एंड गर्थ में यानी विथ में जो इंक्रीमेंट है वो क्या है सेकेंड्री ग्रोथ है सेकेंडरी so, ग्रोथ सिर्फ किस में होगा डायकॉट प्लांट में होगा इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि दीज ऑकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑफ डायकोट प्लांट्स नॉट मोनोकॉर्ट्स प्लांट क्लियर ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया नेक्स्ट पॉइंट भी समझ में आ गया ये जो पॉइंट है ये किसको बता रहा है ये बता रहा है सेकेंडरी ग्रोथ को क्लियर उसके बाद अनदर पॉइंट इज़ कि दे आर सिलेंड्रिकल मैरिस्टैम ये कैसा मैरिस्टैम है सिलेंड्रिकल मैरिस्टैम है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेटरल मैरिस्टैम इसे और हम क्या बोल रहे हैं लेटरल मैरिजैम दे प्रोड्यूस वुडी एक्सेस ये वुडी एक्सेस फॉर्म करेगा एंड दे एपियर लेटर इन दी लाइफ दैन प्राइमरी मैरिजैम मतलब प्राइमरी मैरिजैम इनिशियली फॉर्म होगा मैचोर होने के बाद यानि लाइफ के मैच्योर स्टेज में क्या फॉर्म होगा सेकेंड्री मेरिस्टम फॉर्म होगा इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा गया दे अपियर लेटर इन द लाइफ बहुत बाद में अपियर होगा मैच्योर होने के बाद प्लांट्स में आपको ये दिखेगा और सिर्फ किस कैसे प्लांट्स में आपको दिखेगा डाइकॉट प्लांट में क्यों क्योंकि डाइकॉट प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है और सेकेंड्री मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट फॉर एग्जाम्पल कैम्बियम अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट हमने दो देखा था एक रेडियल और दूसरा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल तो जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल था उसके भी तीन टाइप थे पहला कोलेट्रल कोट्रल वेस्कुलर बंडल जिसमें एक जैलम एक फ्लोएम से अटैच था अगर उनके बीच कैम्बियम प्रेजेंट था तो उसे हम बोलेंगे ओपन और कैम्बियम नहीं होगा तो क्या बोलेंगे उसे हम क्लोज्ड जैसा कि हमें पता है अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो ही सेकेंडरी ग्रोथ होगा और ये अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा बोला क्योंकि कैम्बियम क्या है सेकेंडरी ग्रोथ का एग्जाम्पल है क्लियर तो अब हम लोग देखते हैं कैम्बियम के बारे में कैम्बियम दो टाइप का होता है कितने टाइप का होता है दो टाइप का होता है वन इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड अनदर वन इज कॉर्क कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम अगर आप देखें तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें इट इज़ फाउंड एसोसिएटेड विद जाइलम एंड फ्लोएम मतलब वैसा रीज़न जहाँ जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है उस रीज़न में जो कैम्बियम मिल रहा है उस कैम्बियम को हम बोल रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम और अगर आपको याद हो तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने जो दूसरा लेयर था वो पढ़ा था कॉर्टिक्स तो कॉर्टिक्स रीज़न में अगर आप देखें यहाँ ये भी दिखाया गया है कॉर्टिक्स रीज़न में जो कैम्बियम मिलेगा उसे हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम यानी कैम्बियम कितने टाइप का दो टाइप का वन इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड अनदर वन इज कॉर्क कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम में देखा जाए तो इट इज फाउंड इन दी कॉर्टिकल रीजन यानी कॉर्टेक्स ये किसमें मिल रहा है आपको कॉर्टिकल रीजन में मिल रहा है कॉर्टेक्स रीजन में मिल रहा है फिर से समझ रहे हैं वैसा कैम्बियम जो आपको मिलेगा जाइलम और फ्लोएम वाले रीजन में उसे हम बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम और जो आपको मिलेगा कॉर्टिकल रीजन में उसे हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम क्लियर अब आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम के टाइप्स में वेस्कुलर कैम्बियम के भी दो टाइप हैं कितने टाइप है दो टाइप है वन इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरे को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम नॉट कॉर्क कैम्बियम यहां इंटर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा नॉट कॉर्क कैम्बियम इट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वन इज एंड अनदर वन इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम अनदर वन इज इंटर फैसिकुलर कैम्बियम खैर सो अगर देखा जाए तो पहला वाला जो टाइप है दैट इज़ फेसिकुलर कैम्बियम यानी इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम उसमें अगर हम बात करें तो इट इज़ फाउंड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम विद इन अ वेस्कुलर बंडल ये कहाँ प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये आपका फ्लोएम है और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है जाइलम तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको जो कैम्बियम मिलेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ठीक है और दो अलग अलग वेस्कुलर बंडल के बीच आपको जो कैम्बियम मिल रहा है इसे हम बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है? क्या बोल रहे हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सदमा की बात क्लियर सो वेस्कुलर कैम्बियम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है वन इज़ इंट्रा इंट्राफेसिकुलर एंड अनदर वन इज़ इंटर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर ये कहाँ प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोइम के बीच एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर और इंटर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा दो अलग अलग वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होगा सुनवा की बात सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी मैरिस्ट सो दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से हम समझ लेते हैं सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ टिशू ऑन द बेसिस ऑफ लोके फंक्शन फंक्शन के बेसिस पे अगर हम टिशू के टाइप्स देखें तो दो टाइप थे मेरिज एंड परमानेंट टिशू मैरिज स्टमेटिक टिशू कैसा टिशू था वैसा टिश्यू जिनके सेल्स में डिवाइडिंग की एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं मैरिस्टमैटिक टिश्यू कितने टाइप का था दो टाइप का था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मैरिस्टेम क्या होता है वैसा मेरिस्टेम जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कैसे प्रोड्यूस हुआ था प्रो मेरिस्टेम ऑफ द इम्ब्रायो दो टाइप का होता है एपिकल और इंटर कैलरी उसी तरह सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में हम देखा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज द दिथ ऑफ द प्लांट प्लांट के विथ में इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम और ये कैसे प्रोड्यूस होता है तो दे आर प्रोड्यूसड बाई प्राइमरी मैरिस्टेम और इसे और हम क्या बोलते हैं लेट्रल मेरिस्टेम बोलते हैं क्लियर उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमने देखा ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे टिप ऑफ रूट एंड शूट अगर रूट के टिप्पे होगा तो रूट एपिकल मेरिस्टेम शूट के टिप्पे होगा तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और इसी पे बेस्ड हमने देखा कि हिस्टोजन थ्योरी एंड ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी हिस्ट्रोजन थ्योरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी देन हम लोगों ने देखा कि हिस्टोजन थ्योरी में जो शूट एपिकल मेरिस्टम हो या रूट एपिकल मेरिस्टम हो ये किससे फॉर्म हुए हैं तीन टिश्यू से फॉर्म हुआ और तीनों टिश्यू को मिला करके हम बोलते हैं हिस्टोजेन और ये तीन टिश्यू क्या क्या है डर्मेटोजेन पेरीब्लेम एंड प्लूरोम डर्मेटोजैन क्या फॉर्म करता है एपिडर्मिस पेरीब्लेम फॉर्म करता है हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस एंड प्ल्यूरोम फॉर्म करता है पेरीसाइकल जाइलम फ्लोएम पिथ एंड पिथरेज ख रूट में हमने एक स्ट्रक्चर देखा क्वेश्चन सेंटर वो रूट कैपेस में मिलेगा रिजर्व मेरिस्टेम की तरह काम करता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिकॉज पे स्लो सिंथेसिस होता है है डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन का ठीक है? फिर हमने मेरिस्टमैटिक टिश्यू में दूसरा देखा इंटर कैलरी मैरिस्टेम ये किससे डिराइव होता है एपिकल मेरिस्टेम से प्रेजेंट होता है मैच्योर टिश्यू ऑफ प्लांट्स के बीच ये भी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फॉलन स्टेम को इरेक्ट रखने में हेल्प करता है ग्रासेस को रीजनरेट करने में हेल्प करता है जो कि रिमूव हो जाते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स के थ्रू उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम हम लोग डिस्कस किए सेकेंडरी मेरिस्टेम आपको मैच्योर रीजन्स में मिलेगा रूट और शूट्स के ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है विच मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब विथ में इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एंड दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम इज और इसे हम क्या बोलते हैं लेटरल मैरिस्टेम ये क्या प्रोड्यूस करेगा वुडी एक्सिस और दे अपियर लेटर इन दी लाइफ दैन प्राइवरी मेरिस्टेम एग्जाम्पल इज कैम्बियम कैम्बियम के दो वैस्कुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम वैसा कैम्बियम जो आपको वैस्कुलर रीजन में मिलेगा उसे हम वैस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे और वैसा कैम्बियम जो आपको कॉर्टिकल रीजन में मिलेगा उसे हम कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे फ्लियर वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप में है इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वैसा कैम्बियम जो आपको कहाँ मिलेगा फ्लोएम और ज़ाइलम के बीच एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर है. और जो दो अलग अलग वेस्कुलर बंडल के बीच मिलेगा उससे हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सो दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू सो थैंक यू